क्या आप गोल्ड रेनवे डीलर हैं और मार्केटिंग करना चाहते हैं? लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं? आपको जरूरत है एडवर्टीजमेंट की? गोल्ड रेनवे आपके लिए फ्री एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएगा। गोल्ड रेनवे की तरफ से हर डीलर को फ्री पोस्टर्स मिलेंगे जिसमें वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकता है। कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना है। ये जो पोस्टर्स गोल्ड रेनवे ने अपने डीलर्स के लिए बनाया है उसके नीचे दी हुई स्पेस एम्प्टी है जिसमें हर डीलर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता है। बहुत ही सिंपल है, अपना नंबर ऐड करिए और लोगों तक पहुंचिए। गोल्ड रेनवे, अ प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रेस्क्यू रेनवे। अब तक की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सामने आई है। तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की जेल हो चुकी है। पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है और अब से लेकर 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान खान। साथ ही इमरान खान पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 6 महीना अधिक जेल में रहना होगा। बता दें कि इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इमरान खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क यानी कि उनके घर गई थी। इसके बाद इमरान खान को पुलिस इस्लामाबाद ले गई और उन्हें कोर्ट लखपत जेल में रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है तोशाखाना मामला। तोशाखाना वो खजाना है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को विदेश यात्रा के दौरान मिले गिफ्ट जमा करने होते हैं। जब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे तब उन्हें विदेश से बहुत से महंगे तोहफे मिले थे। अरब देशों से उन्हें बेशकीमती घड़ियां, गहने समेत बेहद महंगे गिफ्ट मिले थे। पाकिस्तान के कानून के अनुसार प्रधानमंत्री अगर विदेश में मिले गिफ्ट को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी कीमत का एक हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराना होता है। लेकिन इमरान खान ने विदेश से मिले गिफ्ट के बारे में गलत जानकारी दी। कई गिफ्ट के बारे में सरकार को बताया नहीं और जिन गिफ्ट के बारे में सरकार को बताया उन्हें भी गलत तरीके से अपने घर ले गए और सत्ता का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने गिफ्ट की बेहद कम कीमत लगवाई। उन्होंने गिफ्ट घर ले गए और बाद में बाजार में बेच दिया। इससे इमरान खान ने करोड़ों रुपए की कमाई की और इसकी जानकारी अपने देश पाकिस्तान से छिपाई। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज़।